एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं उन लेडीज के लिए स्पेशल लेके आई हूँ जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है। असर क्या होता है, सब्जी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना काटने में लगता है। तो आज मैं बताना चाहूंगी कि सब्जी को एक मिनट में कैसे काटा जाए। बहुत सारी सब्जी हो आप उसे बहुत जल्दी से जल्दी काट सकते हैं और बिल्कुल इक्वल शेप में। लेकिन इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कैसे हम काटते हैं सब्जी बिल्कुल इक्वल साइज के अंदर और बहुत जल्दी। स्पेशल बिजी लेडीज के लिए है ये तरीका। मिनटों में आप ढेर सारी सब्जियां काट सकते हैं बिल्कुल इक्वल। मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर पड़ा है। आप इसके अंदर गाजर, मूली, शलगम कुछ भी काट सकते हैं। अक्सर हमने कई बार सब्जी बनानी होती है तो हमने बहुत जल्दी होती है, सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता, अक्सर काटने में ही टाइम लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिजी लेडीज के लिए। तो मैं आपको काट के दिखाऊंगी। अक्सर देखा सबने होगा ये कटर, बट दिमाग में ये होता है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, अक्सर हम यही सोच के खरीद नहीं पाते। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके साथ आप इतनी जल्दी अपने काम को सर्वाइव कर सकते हैं किचन में। आप देखें कि मैंने प्याज को दो टुकड़ों में कर दिया है। अक्सर प्याज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है सबके लिए, समस्या कि प्याज कैसे काटना है। मैंने आधा प्याज बीच में रख दिया। आप देख रहे हैं कि प्याज जो है कट हो गया है। आप देख रहे हैं कि मैंने दो प्याज काटे हैं, कितने सेकंड लगे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, इक्वल बिल्कुल कट के रेडी हैं। इसे मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं सबसे भारी ये मुसीबत का काम नजर आता है लेडीज को कि प्याज को कैसे काटा जाए। तो आपने देखा है कि स्लाइसर कितना काम करता है और सबसे बड़ी बात इसे साफ करना मुश्किल नहीं है। इसे हमने हल्का सा पानी के नीचे रखना है और ये साफ, मेहनत की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं काटूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने हाफ हाफ कर लिया है। आप देख रहे हैं कि डंठल जो है वो हम निकाल देंगे और शिमला मिर्च को मैंने रख दिया बीच में। जितना साइज इसका है उतने साइज की चीज हम रख सकते हैं। अगर शिमला मिर्च बड़ी आप दो पार्ट में भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च हमारी कट चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी शिमला मिर्च भी कट कर लेंगे। ये शिमला मिर्च बड़ी है तो हम इसे दो पार्ट में। आप देख रहे हैं शिमला मिर्च हमारी कट के तैयार। कितने सेकंड लगे हैं, 3 से 4 सेकंड मुश्किल से लगे हैं। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में आपने सब्जी बनानी है या पिज्ज़ा बनाना है, आपने कोई भी चीज़ काटनी है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, शलगम, कुछ भी, आलू, कुछ भी काटना है, आप मिनटों में इसे जितना मर्जी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी आप कम से कम टाइम के अंदर काट सकते हैं। और अब मैं इसी के अंदर आपको टमाटर कट करके दिखाऊंगी। हमने दो दो पार्ट कर लेने हैं हर चीज़ के। आप देख रहे हैं कि हमारे टमाटर भी कट के तैयार हैं। आपने देखा है कि दो टमाटर, दो प्याज, दो शिमला मिर्च हमने काटी हैं। इसको काटने के लिए मेरे को आधा मिनट भी नहीं लगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप जितनी मर्जी सब्जी बनाते हैं या पिज्जा बनाते हैं, सब्जियां काटते हैं, इसके अंदर तो आपको कितनी देर लगेगी। आपके टाइम को देखते हुए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इस कटर के अंदर इसी तरह से सब्जियां काट सकते हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल इक्वल सारी सब्जियां कट के तैयार हुई हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसी तरह से अपने टाइम की सेविंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ आप सब्जियां काटें और अपने टाइम को बचाएं और मुझे बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।